रेड्स ने क्या कही? देखिए, हम इसको कंडेम करते हैं और ये जो बीजेपी का अमृत काल चल रहा है उसमें सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। और ये जो मीडिया हाउस था जो न्यूज क्लिक, ये सरकार से सवाल पूछते थे, ये 2 करोड़ नौकरियों का सवाल पूछते थे, 15 लाख रुपए जो जमा होना था उसके बारे में सवाल पूछते थे, महंगाई के बारे में सवाल पूछते थे, खासकर जो हमारी पहलवान बच्चियों के साथ गलत हुआ और वो जो मेंबर पार्लियामेंट खुला घूमता है उसके बारे में सवाल पूछते थे। तो ऐसा लगता है जो आज सच बोलता है इस अमृतकाल में, जो सरकार से सवाल पूछता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ यूएपीए लगाया जाता है और इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। उनके चाइना की फंडिंग का आपको नहीं लगता कि सीरियस? मैं तो कहती हूँ सीरियस तो ये है कि चाइना ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली है, उन्होंने हमारे 21 जवानों को शहीद किया है। चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसका नोटिस ले। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे जो आज न्यूज क्लिक पे रेड पड़े हैं, उनको बंद किया है, तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं सब लोग। जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहाँ सरकार से सवाल होता है, तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था, आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है। और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हमने इसको कंडेम किया है और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और ये जो जातियां हो रही हैं न्यूज क्लिक पर, न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं हम, न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं उनकी क्या न्यूज होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम यही होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ है हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि जब भी बात होगी आप कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370, बट जब हम ये सवाल सरकार से पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पीपल हियर आर हैप्पी, नोबडी इज कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग, इट इज इनफैक्ट द पीपल इन यूजेके, दे आर कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान सरकार, सो दे वांट टू बी विद पार्ट ऑफ इंडिया और यूजेके। डोंट वरी, प्रोटेस्ट विल स्टार्ट। और बताइए पीओजेके, यू थिंक दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, प्रोटेस्ट विल स्टार्ट। और बताइए अबाउट पीओजेके, अबाउट पीओजेके सर, सर 370 इज अंडर द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स वर्ड सब जूडिस लेट्स बी देयर। और कुछ बोलना है आपने? मुझे जाना है, नमाज का वक्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।